मोदी का राहुल ने दिया सबसे बड़ा झटका। हिल गई नरेंद्र मोदी सरकार। 2024 के चुनाव से पहले ही यूपी में राहुल ने कर दिया बड़ा खेल। अचानक कर्नाटक पहुंचकर राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान। नरेंद्र मोदी की कुर्सी खींचने का बनाया प्लान। हलक में आ गई भाजपा की जान। असली सिकंदर साबित हुए राहुल। इंदिरा के पोते ने पूरे सिस्टम को हिलाया। नरेंद्र मोदी को गुस्सा आया। फेल हो गए अमित शाह। राहुल गांधी को हल्के में लेने वाले जरा आंख खोलकर देख ले। इंदिरा के पोते ने आज नरेंद्र मोदी सरकार के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई। नरेंद्र मोदी अब ये सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी ने आखिर कैसे कांग्रेस को दोबारा खड़ा कर दिया। कुछ दिनों पहले ही कहा जा रहा था कि कांग्रेस का काम तमाम हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी की प्लानिंग की बदौलत कांग्रेस ने दोबारा बीजेपी की नाक में दम करना शुरू कर दिया है। इंदिरा के पोते ने कसम खाई है कि नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से हटाना है। इंडिया गठबंधन बन चुका है। 2024 का चुनाव पास आ रहा है और चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी खेल पर खेल किए जा रहे हैं। सबसे पहले राहुल गांधी ने लद्दाख का दौरा किया, जहां से लौटने के बाद एक बार फिर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चीन तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ देख रही है। असल में चीन की तरफ से हाल ही में एक मैप जारी किया गया है, जिसमें पूरे अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया है। इस मैप पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। राहुल गांधी ने चीन के नए नक्शे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं वर्षों से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि लद्दाख में एक इंच जमीन नहीं गई है, ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार को बुरी तरीके से घेर लिया है और जवाब मांगा है। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव से पहले कुछ राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। मौजूदा समय में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ही हैं। राहुल गांधी 2 सितंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दौरे पर थे। इस दौरान राहुल ने रायपुर में आयोजित युवा सम्मेलन को भी संबोधित किया। छत्तीसगढ़ जाने का मकसद ही था वहाँ कांग्रेस के पदाधिकारी से मुलाकात कर युवाओं का जोश बढ़ाना और नरेंद्र मोदी सरकार कैसे काम कर रही है उसकी हकीकत को सामने लाना। छत्तीसगढ़ में इस समय कांग्रेस की ही सरकार है, लेकिन राहुल गांधी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले किसी भी राज्य में हार का मतलब ही होगा बीजेपी को बढ़त देना। इसलिए राहुल गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को लेकर भी खास प्लान बनाया है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में अपने कुछ खास नेताओं को उन्होंने अभी से मैदान में उतार दिया है, ताकि 2024 की विसाख बिछाई जा सके। आपको याद होगा कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने अपने दम पर जीत दर्ज की। इसलिए अब राहुल गांधी अब कर्नाटक जाकर वहां की जनता को बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं। राहुल गांधी मैसूर में कर्नाटक सरकार की गृह लक्ष्मी योजना का उद्घाटन करेंगे। खास बात यह है कि इस प्रोग्राम में करीब 1,00,000 लोग शामिल होंगे, जिनसे राहुल गांधी रूबरू होंगे। कर्नाटक में इसी साल मई में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने पर हम हर एक घर में हाउसवाइफ को हर महीने 2,000 रुपए देंगे। अब जब सरकार बन गई है तो राहुल गांधी ने किया हुआ अपना वादा निभाने का फैसला किया है। इसलिए कहा जाता है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। जुमलेबाजी करना कांग्रेस को नहीं आता है। जिस तरह से राहुल गांधी 2024 के चुनाव के लिए अभी से पूरे तरीके से मैदान में उतर चुके हैं, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किलों से भरा होने वाला है और गठबंधन की बड़ी जीत होती दिखाई पड़ रही है।